अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, क्या हाल है आप सब लोग के। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अगर नहीं भी है ना, तो मेरा ये व्लॉग देखने के बाद आप एकदम से फिट होने वाले हो। आज का हमारा व्लॉग है 1K की सेलिब्रेशन का। इधर हम आ गए थे मफिन्स बेकरी, ये भावलपुर में मौजूद है। काफ़ी अरसे से मैंने सोचा हुआ था कि मैं 1K की सेलिब्रेशन हम जब करेंगे ना, तो इधर से ही लूँगी। और बहुत अच्छी बेकरी है और इनका स्टाफ भी वेल मैनर्ड है, बहुत प्यारी, मतलब इनके और टेस्ट तो भाई कमाल है। इस पहले हम लोग, क्योंकि हमें अवेलेबल ही बस दाता स्वीट्स है इधर अहमदपुर में, तो बस वही और सहीवाल में है, डिसेंट हो गई या फिर यूनाइटेड हो गई या फिर केक्स एंड बेक्स। सहीवाल की बात की जाए तो केक्स एंड बेक्स केक में बेस्ट है। और बाकी ये था कुछ शॉर्ट लेते हुए पताशे, स्वीट्स एंड बेकर्स, और इधर हमें डिस्काउंट भी मिल गया था, ये सबसे बेस्ट बात है हमारी। और हमारी नहीं, शायद हम पहली बार गए थे इधर, तो मे बी इसलिए। तो अगर आप भावलपुर से मुझे देख रहे हो, तो आप लोग भी लाजमी ये ट्राई करना, ये ट्राई मस्ट वाला केक है। समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग्स को, एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो रही है। एस्थेटिक शॉट्स आपके साथ म्यूजिक के साथ शेयर करती हूँ। तो जी, कैसी लगी मेरी एडिटिंग और आज की ये वीडियो कैसी लगी, लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। जब तक हम अपना केक वगैरह निकालते हैं, आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने सब फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना। और अगर अभी तक नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइब तो मस्ट है। आप सब लोग के उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और अगर आप खैरियत से नहीं भी हो, तो मेरा ये आज का व्लॉग देखने के बाद आप एकदम फिट होने वाले हो। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मोमो और ये है हमारी 1K इस्लामिक एस्टर की सेलिब्रेशन, जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था। और ये है हमारे पास कुछ कैंडल्स, क्योंकि आज मैंने ब्लू और वाइट पहना है, तो शिजा ने भी बोला आप ये लगाओ, तो अब हम ये लगाते हैं। वैसे तो हमारा 1K हुआ है, लेकिन हम ये 2 कैंडल्स लगा देंगे तो और अच्छी बात है, 2K भी ऑन जल्दी जल्दी करो। से हो जाएगा। हाँ कर दो। कैस्टर फैमिली, चलो अब शेरी इसके ऊपर नहीं करना, इसके ऊपर नहीं करना, चलो कर दो। हाँ अब करो, ऊपर आ रहा है, केक के ऊपर आ रहा है, बस करो। नहीं है चल, 1, 2, 3 स्टार्ट कर दो। स्टार्ट है। इधर हमने अपनी छोटी सी सेलिब्रेशन की और मैं ये चाह रही थी कि मेरे साथ मेरी आपी, जीजू और बच्चे सारे हों, क्योंकि इन लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया है। आपी जो बाकी दो आपी जो मुझे घर पे बैठ के देख रही हैं, वो लोग भी हमेशा सपोर्ट करते हैं। हैप्पी 1K टू ऑल, यस।
सब कुछ जा रहा है, सब कुछ जा रहा है। इधर आपकी बहन सबको इंस्ट्रक्शंस देते हुए कि चुप रहो। ये आप सब लोगों के लिए सबसे पहली बाइट, आप सब लोगों के लिए। आप लोगों की इतनी क्या कहूँ, इतनी सपोर्ट है, आप लोगों ने इतनी मेरी सपोर्ट की है, तो थैंक यू सो मच। ये बाइट आपके लिए। फर्स्ट बाइट आपको खिलाने के बाद, उसके बाद मैंने आपा लोगों को, बच्चों को, सबको केक खिलाया और खुद भी खाया। आपी ने मुझे भी खिलाया। सच में यार बहुत मज़ा आया। ये तो अभी भी फर्स्ट स्टेप था हमारा। इंशाल्लाह ऐसे और आगे आएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह 10K फिर 100K इंशाल्लाह। अल्लाह पाक से उम्मीदें रखनी चाहिए। ये कपकेक ट्राई करते हैं। ये भी मफिन्स की है। चलो ये उठा लो सारे एक एक। मफिन स्वीट्स ने मेरा दिन बना दिया, यानी ये सेलिब्रेशन उन लोगों ने और ज्यादा स्वीट कर दी। सच में बहुत मजा आ रहा है। हम नॉर्मली वही खा रहे होते हैं दाता वालों के। अच्छा यहाँ पे हम अपनी छोटी छोटी जो कप केक्स है ना वो लेके खा रहे थे। और इधर मैं बोल रही थी कि मेरे भी स्नैफियो के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो वो जाता जाता बोल रहा है कि प्लीज़ 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 कर दो। और लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ उसके चैनल को भी विजिट करो और उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अच्छा वो बोल रहा था कि मेरे भी जल्दी से 1K करवा दो, फिर मैं भी सेलिब्रेशन करूँगा। तो उसके भी जल्दी से 1K करवा दो, फिर इंशाल्लाह उसकी भी सेलिब्रेशन ऐसे ही हम करेंगे धूमधाम से। और भाई बस मैं तो बहुत खुश हूँ, और ये खुशी मेरी आप लोगों की वजह से है। आप लोगों ने भी इतना सपोर्ट किया है और आगे भी इंशाल्लाह मुझे यकीन है आप लोग करते रहोगे। और मैं आपकी मोमो अब ऐसे ही रहूँगी। अच्छा मैंने मोमो पता है खुद को क्यों बोला है, क्योंकि यार मैं एक तो बात बात पे भूल जाती हूँ, और अभी अभी जो मैंने बात की है ना फ़ौरन दूसरे सेकेंड में मैं भूल जाती हूँ कि यार मैं बोल क्या रही थी। तो बस यहाँ पे केक खा खा के और वो छोटे कप्स के खा खा के ना बस आपकी बहन की बस हो गई थी। और पहले यहाँ पे उन्होंने वो बना दिए बॉल्स स्नो के, इसमें मज़ा आया बहुत अपनों के साथ, यू नो अपनी फैमिली के साथ इस तरह से सेलिब्रेट करके और मज़ा आया। अच्छा इधर मैं बोल रही थी आपी को कि आप केक के स्लाइसिस कर दो, बट उन्होंने बोला कि तुम करो आज, यानी आज तुम्हारा दिन है तो आज तुम करो। मैंने कहा आपकी जो बहन है ना वो ज़रा इन मामलात में थोड़ी सी है, अब देखना वो कबाड़ा भी करेगी आगे। सबको मैंने ठीक ठीक से दे दिए, और लेकिन अब देखना यहाँ पे बहुत बड़ा मैंने ब्लंडर कर दिया। इतना बड़ा भी नहीं, खैर वो प्लेट के अंदर ही बेचारा हो गया था तो उसकी इतनी टेंशन नहीं है। ओ देखा, बस इधर सबको केक दिए, हम लोगों ने मज़े से बैठ के अपना केक एंजॉय किया। और यार एक और मेरे साथ वो चक्कर हुआ, मैं ये ज़रा मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो ये है आर का सिंबल जो चला गया जीजू के पास, और ये है आपी का, आपी के पास जो है वो है एस का, और हमारी तरफ कुछ भी नहीं आया। अच्छा आपी का नेम आर से शुरू होता है तो वो जीजू के पास बाय चांस यानी कोइंसिडेंटली चला गया, और आपी के पास एस चला गया जो कि जीजू का नाम का फर्स्ट लेटर है। तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हुआ हमारे साथ। बस इधर हमने आराम से बैठ के अपना केक इंजॉय किया। रात के 2:30 बज गए थे, और ये मैं पीस दिखा रही हूँ, ये दरमियान में वो जो सेंटर में लिखा हुआ ना आई, इफ्रोज सो रहा था तो कोइंसिडेंटली उसका जो केक पीस है ना उस पर आई आ गया उसके नाम के लेटर का। और मैं, शेरोज और शीजा हम लोग बस फजूल में मुंह उठा के बैठे, हमारे पास कुछ नहीं आया इस टाइप का लेटर्स में से, बस फ्री में हम खा रहे थे, तो बस इतना भी काफ़ी है। चलो इनके साथ ये हो गया। अच्छा यार कल के दिन बहुत ब्लंडर्स हुए हैं, एक तो हमारी कीज गुम हो गई, दूसरा मैं जो ये वीडियोज रिकॉर्ड कर रही थी ना ये मुझे पता ही नहीं चला, और मैंने ना वो म्यूट ऑन किया हुआ था, यानी म्यूट ऑप्शन में ना वीडियोज़ बना रही थी, म्यूट रिकॉर्ड कर रही थी, और जब मैंने रात को बैठी हूँ अपने क्लिप्स कंपाइल करने लगी हूँ तो उस टाइम देखा, मैंने कहा यार आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। उस टाइम तो हम सारा वो लाइव कर रहे थे, बट कोई नहीं। अच्छा ये हमें 1K की सेलिब्रेशन में और उसकी खुशी में ये हमें मिले हैं कुछ गिफ्ट्स,
जीजू और शीजा की तरफ से एक ब्रेसलेट और एक वो क्या बोलते हैं उसको बेंगल कंगन, वो एक मेरा है और एक आपा का, और एक हमें मिला है सूट बड़ी आपकी तरफ से, लेकिन वो हम आपको अभी नहीं दिखाने वाले, वो आपको जो है मैं स्टिच करवा के और स्टाइलिंग करके उसको फिर आपको पहन के दिखाऊंगी। और बाकी मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ का ये जो सारा जो मैसेज है ना वो इग्नोर करो और बस फोकस करो आप लोग मेरे इन ब्रेसलेट्स पे, ठीक हो गया। और उसका मुझे बहुत अफसोस रहेगा, हमारे जो वो मतलब म्यूट पे हमने रिकॉर्ड किया, बट ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास, मैं दूसरा फोन ऑन किया हुआ था जिसपे सारी वॉइस हमें वो मिल गई, यानी पूरी वीडियो की तो नहीं मिली लेकिन जो जो मेन थी ना अल्लाह का शुक्र है वो मिल गई। अच्छा हम आज की बातें इतनी काफ़ी हो गई, हम लोग गए हुए थे डॉक्टर के पास, तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो, अगर आपकी बहन की तबीयत ठीक रही ना तो इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कल। और यहाँ पे मैं कुछ इस्लामिक एस्टर लिखते हुए 1K का इस्लामिक लिखा है मैंने, एस्टर तो आप जानते ही हो वो मैं हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।